जी, तो हम बात कर रहे थे सेगमेंटेशन की, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक सेगमेंट दूसरे से डिफरेंट होता है, लेकिन एक ही सेगमेंट के अंदर जितने भी आपके इंडिविजुअल्स होंगे उनकी जो है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स और बिहेवियर्स होते हैं वो सिमिलर सिमिलर होते हैं। अब हम लोग चलेंगे इससे आगे। सेगमेंटेशन जो है, कंज्यूमर मार्केट के सेगमेंटेशन पहले स्टार्ट करेंगे, बिजनेस के और इंटरनेशनल हम बाद में पढ़ेंगे। कंज्यूमर के अंदर हमारे पास चार मुख्तलिफ किस्म के तरीकेकार होते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, एक होती है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, एक होता है साइकोग्राफिक, और एक होती है बिहेवियल सेगमेंटेशन। तो ये चार तरीकेकार होते हैं सेगमेंटेशन के, ये चार कैटेगरीज होती हैं सेगमेंटेशन की। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफिक। जियोग्राफिक हमें बताती है कि कहाँ पे हम लोगों की मार्केट है। डेमोग्राफिक में हमें बताती है कि बेसिकली हमारी मार्केट क्या है। फिर बताया जाता है कि कौन है जो हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और आखिर में बिहेवियरल है कि किस तरीके से वो लोग हमारी प्रोडक्ट खरीदते होते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन को। ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम लोग ज्योग्राफिकल रीजन्स की बेस पे, ज्योग्राफिकल रीजन्स की बेस पे हम लोगों ने जो है अपनी जो मार्केट होती है उसको हम लोगों ने एनालाइज करना होता है। तो जो ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन होती है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन डिवाइड्स द मार्केट इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स सच एज नेशंस, रीजन्स, स्टेट्स, कंट्रीज एंड सिटीज। हर एक शहर की अलग अलग ज्योग्राफी होती है। वो अगर उनमें डिफरेंस है तो फिर वो अलग से कैटेगरीज कहलाएंगी। मुल्क से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगे वो भी अलग अलग होगा। स्टेट्स पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन दूसरे ममालिक के अंदर चूंकि स्टेट्स भी होती हैं, तो अमेरिका के अंदर खास तौर पे, तो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे बिहेवियर बदल जाएगा। रीजन्स और नेशन जो है उनके हवाले से भी आपकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब हम लोग ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन जो है उसको डिवाइड किया हुआ है, नंबर वन रीजन, साइज ऑफ द एरिया एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसके बाद एक और पॉइंट है जिसमें कहेंगे क्लाइमेट। अच्छा जी, तो रीजन्स में क्या चीज आती है? रीजन्स में हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कंट्रीज हैं तकरीबन 200+ कंट्रीज हैं। स्टेट्स हैं, एक मुल्क के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मुल्क की बात करेंगे तो प्रोविंसेस हैं। ठीक है जी। साइज ऑफ द एरिया आ जाएगा, सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि किस एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, किस एरिया के अंदर क्या डेंसिटी है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफन क्लासिफाइज एज अर्बन, सबर्बन एंड रूरल। ठीक है, अर्बन, सब अर्बन एंड रूरल। तो ये तीन किस्म की हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। अर्बन ये शहरी इलाके, कस्बा कस्बे वाले जो इलाके होते हैं, जो शहरी इलाके हैं वो होते हैं। सबर्बन जो कि मुजाफाती इलाके होते हैं। रूरल जो है वो देहाती इलाका कहलाता है। क्लाइमेट ये देखा जाता है कि वहाँ का जो है आबो हवा जो है वो कैसी है। आबो हवा से मुराद ये है कि वेदर के पैटर्न्स क्या है। ज़्यादातर गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, मौसम खुश्क रहता है, बारिश रहती है। तो बेसिक ये चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ इलाकों की हम लोग देख लेते हैं, और उससे हम लोग फिर सेगमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन जो है वो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की हुई है। हम लोगों ने जनरेशन डिस्कस की हुई है, एज ग्रुप आ जाता है, जेंडर आ जाती है, इनकम ऑफ सब मार्केट आ जाता है, इनकम के अलावा फिर हमारे पास सोशल क्लासेस और लाइफस्टाइल, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि हम लोगों ने डिटेल में पहले डिस्कस कर रखी हैं, तो अभी हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाते। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है बच्चों एज का। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि एज किसे कहते हैं। एज से मुराद ये है कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हमारे यहाँ बन जाते हैं, और उन मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के हवाले से फिर हम लोगों ने अपनी मार्केट को सेगमेंट सेगमेंट किया होता है। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो एक टूथपेस्ट का है कि अडल्ट जो होंगे उनका टूथपेस्ट जो है वो और होगा, छोटे बच्चे जो होंगे उनका टूथपेस्ट और होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे
वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे कि अगर बच्चे छोटे बच्चे चुके जब टूथपेस्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर निगलने की कोशिश करते हैं, उनको टेस्ट ऐसा लगता है, बच्चे निगलने की कोशिश करते हैं तो केमिकल निगलने से कहीं लॉस ना हो जाए उनको, तबीयत उनकी ना खराब हो जाए, सेहत ना बिगड़े, तो इसलिए फिर छोटे बच्चों का टूथपेस्ट अलग होगा, बड़े लोगों का टूथपेस्ट अलग होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर, मेल और फीमेल के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑप्शंस आ सकते हैं। कपड़ों में मेल को हम अलग तरीके से सेगमेंट करेंगे, फीमेल्स को अलग सेगमेंट करेंगे, फीमेल्स के लिए लिबास अलग होगा, मेल्स के लिए अलग होगा, हेयर ड्रेसिंग जो है वो भी अलग होगी, मैगजीन्स दोनों के अलग हैं, टॉयलेटरी कॉस्मेटिक्स वो भी हमारी मेल और फीमेल की रिलेटिवली अलग अलग होती हैं। फिर आ जाती है इनकम ग्रुप, इनकम ग्रुप में वो जो लग्जूरियस लाइफ गुजारने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनके लिए अलग अलग लग्जूरियस प्रोडक्ट्स होंगी, और जो रिलेटिवली गरीब लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है या जो पुअर क्लास है, वो उस क्लास के लिए फिर हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो अलग होंगी। मिसाल के तौर पे अच्छी एग्जाम्पल जो है वहाँ पे है कॉट्स बैंक, ये वो बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर अमीर लोगों की इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है वो उनके बैंक्स में जो है वो रखवाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते होते हैं, और ये चूंकि बहुत अमीर अमीर लोग इसमें आते होते हैं तो नॉर्मल गरीब बंदा जो है इसमें अकाउंट ओपन नहीं करता होता, तो ये इसलिए एक एग्जाम्पल है कि ये एक अफ्लुएंट, इसको हम लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते होते हैं अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, अब रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जो है वो गरीब शख्स जो है वो जो 30 रुपए की पेप्सी कोला पीने वाला है या कोका कोला या 7 अप पीने वाला बंदा है, वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जो है वो 200+ का रेड बुल एनर्जी ड्रिंक नहीं पिएगा, ठीक हो गया, ये अमीर लोग पियेंगे। फिर मेरिट होटल, अगर आपने कहीं अपनी कोई इवेंट रखना है, किसी की शादी है, किसी का कोई दावत वलीमा है, कहीं आपने पार्टी करनी है, तो आप मैरियट होटल में जाएंगे, लेकिन आप उस सूरत में जाएंगे जब आपकी इनकम क्लास जो है वो अपर लेवल की होगी, इलीट होगी। इसी तरीके से क्यू कनेक्ट ट्रेवल कंपनी है, ये वो कंपनी है जो लाहौर से लेके इस्लामाबाद में लेके आती है कस्टमर्स को, और तकरीबन 3500 के करीब इनका किराया है, और 3500 रुपए के करीब इनका किराया है, और अगर हम लोग नॉर्मल गाड़ियों में सफर करेंगे तो 3500 रुपए में कम से कम 5 या 4 लोग जो है वो सफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 4 या 5 लोगों के किराए के बराबर एक किराए एक बंदा जो है वो जो है वो बस के फेयर देगा, और उसके बाद फिर वो कराची से लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्यू कनेक्ट पाकिस्तान की कंपनी है, ट्रेवल कंपनी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जाहिर है 3500 रुपये में सफ़र वही करेगा जिसका इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इनकम के हवाले से जो है वो डिसीजन लिया गया है और डिवीजन किया गया है। फिर यहाँ पे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर सोशल क्लास भी आ गई, सोशल क्लास में कंज्यूमर मार्केट आ गई, सॉरी कंज्यूमर जो है वो उनकी सोशल क्लास जो है उसको हम लोगों ने परसीव करके उनकी मुख्तलिफ किस्म की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो हम लोग फिर मार्केट में ऑफर करते होते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली देखा जाएगा कि कारों के हवाले से, क्लॉथ्स के हवाले से, घर के फर्नीचर के हवाले से, उसके बाद लीजर एक्टिविटीज के हवाले से, दूसरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के हवाले से कंज्यूमर्स जो है वो क्या परसीव कर रहे हैं, ठीक है, सोशल क्लासेस को, तो फिर वो अपनी अपनी जो सोशल क्लास जिस तरीके से परसेप्शन आवाम की होगी, उस आवाम के परसेप्शन के बेस पे वो फिर परचेज प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो माशरे में जो है उसी वही जो है वो माशरे में पनपी जाती है, और उसी को लेके माशरा जो है वो आगे की तरफ चल रहा होता है, और जो माशरे में बाकी जो लोग होंगे वो भी फिर उसको एक सिंबल बना देंगे कि ये इस क्लास का सिंबल है और ये इस क्लास का सिंबल है और ये इस क्लास का सिंबल है। फिर आगे चलेंगे जी, आगे आ जाते हैं हमारे पास लाइफस्टाइल। अब हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो मार्केटर्स होते हैं, यानी कि जो कंपनीज होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑफर कर रही हैं, वो बहुत इंटरेस्ट ले रही होती हैं कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जो डिमांड है वो क्या है, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है। नॉर्मली जो है वो हम लोग इसको एक दो स्टाइल्स के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसके मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स बन जाते हैं, और लाइफस्टाइल जो है वो मल्टीपल किस्म के सेगमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ अगर हम लोग सही तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लें, और जब हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं, अपनी प्रमोशन कर रहे होते हैं, अपनी मार्केटिंग कैंपेन में जा रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर हम इसको यूटिलाइज कर लें तो ये हमारे लिए ये एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मार्केटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है।
बाकी जो है वो हम लोग अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं जी।